फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के IG ऑफिस के पास शराब के नशे में धुत 5 युवकों ने होटल में खाना खाने के बाद भुगतान को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और दहशत फैल गई थी। इस घटना की सूचना के बाद SPCT अखिलेश नारायण, CO सिविल लाइन और इंस्पेक्टर सिविल लाइन मै फोर्स मौके पर पहुंचे। पांचों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा और उन्हें थाने भेज दिया गया। आरोपियों को छुड़वाने के लिए सत्ताधारी नेताओं के फोन पुलिस अधिकारियों पर घनघनाने लगे, जिसके चलते करीब 4 बजे इन चारों आरोपियों को पुलिस ने बलवा व फायरिंग आदि संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्टल व 32 बोर के 8 कारतूस खोखे बरामद किए गए हैं और घटना स्थल से आरोपियों के पास से 2 कार भी बरामद की गई है। उधर पुलिस पर ये आरोप भी लग रहे हैं, जिस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया है उस आधार पर पुलिस ने सख्त धाराएं लगाने की बजाय आरोपियों पर ऐसी धाराएं लगाई हैं ताकि उनको जमानत मिलने में आसानी हो सके। देखिए, रात में एक रोटी बूटी रेस्टोरेंट है, उसमें कुछ लड़कों ने खाना खाया। खाना खाने के उपरांत पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुआ, इन लड़कों ने फायर किया, जिसमें से पुलिस भी मौके पर गई और 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिन्हें मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है। इनसे एक पिस्टल, कुछ खोखा कारतूस वहां से मौके से और 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।